लोकस बिंदुपति कहते किसे हैं, ये आपको आने चाहिए। कहते हैं कि जो भी पॉइंट्स आपके दे रखे हैं उनसे इक्वल डिस्टेंस पर जो भी डायग्राम बनेगा उस डायग्राम को बोलते हैं लोकस बोलते हैं। कोई भी पॉइंट दे रखा है, वन पॉइंट या टू पॉइंट या फिर थ्री पॉइंट। देखो अगर आप पूछ ले कि वन पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर लोकस बताओ, इक्वल मान लो पूछे कि आपसे वन पॉइंट से 5 सेंटीमीटर दूर एक आपको बताना है लोकस, तो 5 सेंटीमीटर दूर तो यहाँ भी होता है, ये भी 5 सेंटीमीटर 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 है, तो बहुत सारे बिंदु बिंदु बन जाएंगे, बहुत सारे। उन बिंदुओं से एक डायग्राम बनेगा उसको बोलते हैं लोकस। तो इस पॉइंट का लोकस क्या है, सर्कल। इसका क्या होगा लोकस, क्या होगा इसका सर्कल होगा। अगर एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाए एक पॉइंट से, कोई पॉइंट है उससे 5 सेंटीमीटर दूर, एक पॉइंट से 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस से हमें लोकस बताना है, तो वो हो जाएगा सर्कल। अब अगर पॉइंट कितना आ जाए आपके, टू पॉइंट आ जाए, एक पॉइंट से क्या बनता है सर्कल बनता है, सर्कल क्या कहलाएगा आपके, लोकस कहलाएगा। इसे हिंदी में बोलते हैं बिंदु पथ, बिंदु का पथ, बिंदुओं से बना हुआ पथ, बिंदुओं से बना हुआ रास्ता, उसे बोलते हैं लोकस कहते हैं। अब अगर पॉइंट कितना आ गए, टू, इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस का पॉइंट कौन सा है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ कहीं भी हो सकता है, ये सारे पॉइंट देखो ये और ये डिस्टेंस क्या है आपके, इक्वल है। ये इस पॉइंट का यहाँ से और यहाँ से डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। इस पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है आपके, इक्वल है। तो ये सारे पॉइंट्स, ये सारे जो पॉइंट है ना मिलकर एक लाइन बना रहे हैं, उसे बोलते हैं इन दोनों पॉइंटों से बनी हुई, क्या लिखोगे, इन दोनों पॉइंटों से जो बनने वाली लाइन है ना उसका है बाइसेक्टर परपेंडिकुलर। ये क्या है, बाइसेक्टर परपेंडिकुलर है। दो पॉइंटों से जब भी बनाना हो ना तो बाइसेक्टर परपेंडिकुलर है। अब यही अगर मान लो पॉइंट तीन पॉइंटों से दूर गए, तो देखो दो पहले आपको टुकड़ों में करना पड़ेगा, पहले इन दोनों पॉइंटों से फाइंड करना पड़ेगा, ऐसे ये आएगा, ऐसे बाइसेक्टर परपेंडिकुलर, इधर भी आएगा बाइसेक्टर परपेंडिकुलर, इधर भी आएगा बाइसेक्टर परपेंडिकुलर, और ये पॉइंट ऐसा है, हमें एक पॉइंट ऐसा मिला है जो इससे इससे और इससे तीनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। अगर हम इससे सर्कल बनाएंगे तो यहाँ बार बनेगा, लेकिन ये सर्कल कहाँ बना है, इसके बाहर बना है, तो इसलिए इसे बोलते हैं सर्कम सर्कल। क्या बोलते हैं इसे, सर्कम सेंटर कहते हैं। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को तो बोलेंगे सर्कम सेंटर। अब है आप, ये तो हुआ एक पॉइंट से, फिर टू पॉइंट से, फिर कितना हुआ ये, थ्री पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर लोकस कहाँ पर है। तो यहाँ तो देखो, यहाँ मैं इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ, सर्कल बना वो नहीं बता रहा हूँ, सर्कल तो बन गया, ये पॉइंट के बारे में बोल रहा हूँ। एक पॉइंट का तो होता है सर्कल, टू पॉइंट का होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका मतलब होता है लंब समद्विभाजक बाइसेक्टर। थ्री पॉइंट का पूछा तो ये बना है, ये पॉइंट को बोल रहा हूँ, सर्कल को नहीं बोल रहा हूँ, हमें पॉइंट से मतलब है, ये मतलब एक ऐसा पॉइंट, क्योंकि इससे कोई डायग्राम नहीं बन रहा है, इससे ओनली क्या बन रहा है, एक पॉइंट बन रहा है। ये पॉइंट ऐसा है जो इससे इससे और इससे इक्वल डिस्टेंस पर है, केवल ये पॉइंट। इस पॉइंट को ही क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर। ये ऐसा पॉइंट है जिससे इन तीनों को, बस इससे ज़्यादा नहीं, ना इसे आगे जा सकते हैं ना इसे पीछे जा सकते हैं, केवल एक पॉइंट है हमारे पास, और ये पॉइंट ऐसा है कि इससे हम बाहर सर्कल बना सकते हैं, सर्कल उसका लोकस नहीं होगा, केवल लोकस क्या है, एक पॉइंट है, केवल एक पॉइंट, ये पॉइंट लोकस है। अब होता क्या है, इससे बाहर की ओर सर्कल बनता है तो इस पॉइंट का नाम बोल देंगे सर्कम सेंटर, ये बाहर की ओर सर्कल बनाने वाला पॉइंट है।
सर्कल को हमें लोकस पर नहीं लेना है, लोकस ये है हमारा, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पर देखो इतने सारे पॉइंट मतलब कहाँ थे आपके इक्वल डिस्टेंस पर थे, तो यहाँ पर आपके सर्कल है, यहाँ पर नहीं होगा। और देखो अगर एंगल का कहें तो ये एंगल है मेरा 40 डिग्री, ये क्या है एंगल, एंगल में दो लाइनें होती हैं, एक लाइन ये वाली और एक लाइन ये वाली, दो दो लाइनें होती हैं। अब देखो इसमें अगर आपको लोकस ढूंढना है तो क्या करना पड़ेगा, इस एंगल का करना पड़ेगा आपको हाफ, 20 इधर और 20 इधर, तो ये लाइन ऐसी है जो इससे भी इक्वल डिस्टेंस पर है और इससे भी इक्वल डिस्टेंस पर है। तो अगर आपको कहे कि किसी एंगल का हमें ढूंढना है, क्या ढूंढना है एंगल का, ये देखो ये सारे पॉइंट है ना, इस पर बने सारे इसके सारे पॉइंट, ये सब क्या कहलाएंगे आपके लोकस कहलाएंगे, ये सब क्या कहलाएंगे आपके लोकस कहलाएंगे। और इस लाइन का नाम क्या होगा, वो लाइन नाम भी ध्यान देना है, आप ऐसा नहीं है कि वो लाइन बना दी, बताना है कि ये है क्या है आपके बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ये क्या है बाइसेक्टर ऑफ एंगल, क्या होगा एंगल का, एंगल का क्या होगा लोकस, ये है एंगल का लोकस बाइसेक्टर ऑफ एंगल। और बता दें जिसके भी बारे में पूछे ना उससे इक्वल डिस्टेंस पर जो डायग्राम बनता है, यहाँ कोई डायग्राम नहीं बना है, यहाँ मुझे केवल एक पॉइंट ऐसा मिला है ये लाइन जा रही है इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस, ये इससे, तो एक पॉइंट ऐसा बन गया जो सभी उसी पर आ रहे हैं। अब ये तो हुआ आपके एंगल बताया मैंने, अब ऐसा ही एंगल पूरे ट्रायंगल में आ जाए, देखो एक तो पहले इधर से निकालेंगे, बताओ इस एंगल का लोकस क्या है, इसका बाइसेक्टर, इस एंगल का लोकस क्या है, इसका बाइसेक्टर, इसका लोकस क्या है, इसका बाइसेक्टर। अगर मैंने कहा कि ये लाइन केवल इस एंगल का है लोकस है, इस एंगल का लोकस है, ये वाला लाइन इस एंगल का और ये वाला लाइन इस एंगल का लोकस है, अब तीनों पॉइंट एक ही जगह मिला, और ध्यान देना ये लाइन है ना इससे इक्वल डिस्टेंस पर है, ये लाइन है ना इससे और इससे इक्वल डिस्टेंस पर है, और ये वाला लाइन इन दोनों से, इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना इन तीनों से, इन तीनों ही लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो ये वाला पॉइंट ऐसा है जो तीनों ही साइड से इक्वल डिस्टेंस पर है, इस पॉइंट को हम बोलेंगे लोकस, किसका, किसी ट्रायंगल की साइड का, वहाँ था वर्टिक्स, यहाँ भी बताया था ना मैंने ये वाला वर्टिक्स, ये यहाँ बन रहा था, तो ये क्या है आपके इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम वर्टिक्स, अगर आ जाए एग्जाम में तो वो पॉइंट कौन सा हो, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे सर्कम सर्कल बोलेंगे, सर्कम सेंटर बोलेंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे ये अंदर की ओर बन रहा है तो इसे बोलेंगे हम इन सेंटर। और ये क्या होता है, ये तीनों ही साइडों से इक्वल डिस्टेंस होता है, तो ये क्या होगा आपके इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम साइड्स, ये तीनों ही साइड से इक्वल डिस्टेंस होता है उस पॉइंट को, एग्जाम छोटा कुछ आता है एक नंबर का कि हमें बताना है कि इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ट्रायंगल साइड ऑफ ट्रायंगल, पूछ ले कि ये पॉइंट इन तीनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, इस पॉइंट का नाम क्या है, तो हमने बताया नहीं इन पॉइंट के बारे में बता रहे हैं, सर्कल के बारे में नहीं बता रहे हैं, सर्कल कब आएगा, ओनली वन पॉइंट हो, यहाँ पर ट्रायंगल की साइड से पूछा है तो केवल ये एक पॉइंट है जो इक्वल डिस्टेंस पर है, केवल ये पॉइंट है और कोई नहीं, तो ये क्या आएगा आपके इन सेंटर। और आता है आपके घड़ी के बारे में क्वेश्चन आता है, ये है वॉच, एक छोटा काटा है एक बड़ा काटा जो भी है, यहाँ पर लगा होता है आपके वो पेंडुलम, क्या होता है इसने कहा है पेंडुलम द्वारा बना लोकस फाइंड करना, पेंडुलम से क्या बनता है लोकस, वो फाइंड करना, जो भी हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं पेंडुलम बारे में बता देना कि इसके बारे में, तो बता दें क्या बोलते हैं इसको, इसको पेंडुलम ही कहते हैं और इसे बोलते टिप टिप ऑफ पेंडुलम। अब इससे बना लोकस फाइंड करना है तो पहले ये ध्यान रखना है कि इसका काम क्या है, इसका काम है इधर उधर ऐसे घूमते रहना, ये ना ये भी इधर है पीछे घूमता रहता है, घूमने से क्या है आपके डायग्राम बना, क्या बना एक डायग्राम, ये क्या है डायग्राम मैंने कल भी बताया था, ये क्या है आर्क है,
लेंथ ऑफ आर्क, बताया था ना आपको स्कूल में लेंथ ऑफ आर्क के बारे में। तो ये क्या है आपके लेंथ ऑफ आर्क, मतलब ये सर्कल है, सर्कल का ओनली यहाँ से लगाकर यहाँ तक की जो लाइन है ना, इसको क्या बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। इससे केवल ये वाली डायग्राम, ये वाला ही बनता है, मतलब मेन सेंटर यहाँ पर है इसका, इस सेंटर से ये सभी बिंदु, ये सभी पॉइंट क्या है इक्वल डिस्टेंस पर, यहाँ से यहाँ तक। क्योंकि इसका काम जो है ना वो आपको ध्यान देना। अब घड़ी के बारे में पूछते हैं, आपको केवल पेंडुलम में याद नहीं होना चाहिए, अदर पॉइंट्स भी याद होने चाहिए। कैसे? अगर ये घड़ी है, इसके अंदर माल ऐसी भी हो सकती है, घड़ी को जरूरी नहीं है ये घड़ी, इसमें एक तो है आपके आवर हैंड और एक है मिनट हैंड। अब ये कहते आवर हैंड, मिनट हैंड, या एक और आता है सेकंड हैंड, इनके द्वारा बना हुआ हमें लोकस बताना है। ये भी ऐसे ही घूमता है, ये भी ऐसे ही घूमता है, और ये वाला भी ऐसे ही घूमता है। सबसे क्या बनते हैं? सर्कल ही बनते हैं। सबसे क्या बनते हैं? सर्कल। तो सेकंड हैंड, मिनट हैंड या आवर हैंड, इनसे जो लोकस बनेगा वो कहलाएगा आपके सर्कल कहलाएगा। तो लोकस का मतलब यही है कि जो भी आपके पास क्वेश्चन में है उनसे इक्वल डिस्टेंस। और भी है ये देखो, अगर आपने मैंने बताया है कि ये आपने तैयार कर लिया, आप एक नंबर पक्का है, मतलब इन्हीं में से एक छोटा सा लोकस पूछते हैं, एक पॉइंट से दूर सर्कल, दो पॉइंट से दूर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, थ्री पॉइंट से दूर सर्कल सेंटर, थ्री साइड से दूर इन सेंटर, अभी और पेंडुलम का आ जाए तो लेंथ ऑफ आर्क, और एक होता है मान लो ये लाइन, इस लाइन से 5 सेंटीमीटर दूर हमें बताना है लोकस। तो 5 सेंटीमीटर तो इधर भी होता है और 5 सेंटीमीटर तो इधर भी होता है। हम क्या लिखेंगे, ये मान लो ए बी, ऐसे डायग्राम बना देना वहाँ पर, पूछ ले एक लाइन है ए बी, उससे 5 सेंटीमीटर दूर हमें बताना है। तो इधर भी 5 होता है और इधर भी 5 होता है। तो ये ए बी, ये डी है, ये सी है, ई है, और ये एफ है। क्या लिखेंगे? ए बी पैरेलल डी सी पैरेलल ई एफ, इस लाइन के पैरेलल है, क्योंकि ये भी इक्वल डिस्टेंस पर है और ये भी इक्वल डिस्टेंस पर है। तो मेन पूरे चैप्टर में यही है, इक्वल डिस्टेंस पर जो डायग्राम बनता है उसका नाम बताना है, ये तो आता है एक नंबर का, और उसमें छोटी जो प्रॉब्लम्स पूछी जाती है वो आती है आपके 2 नंबर से। इसमें तो कुछ क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।